ये सभी हम चाहते हैं, इसलिए ये सभी के लिए है कहानी. And once upon a time, again I'm mentioning that today we are going to have a storytelling session, a very simple session. There are various ways in which we can tell a story. I think choti si ek simple sa method jo aap bahut easily follow kar sakte hain, us tarah se main aapke saath mein storytelling session karungi. There are many more ways which we can share with you. Uske liye aapko humko apne chat time pe likhna padega. ये हमें और स्टोरी टेलिंग के वीडियोस चाहिए. वी कैन रिकॉर्ड आवर वीडियोस, वी कैन कनेक्ट विद यू लाइक दिस, बट यू हैव टू कीप राइटिंग टू अस, यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग अस कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए. सो इट विल बी अ मोटिवेटर एंड विल डू इट फॉर यू डेफिनेटली. स्टोरी टेलिंग, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग इतना पावरफुल टूल क्यों है और क्या है ये पावरफुल टूल? इफेक्टिव मीडियम ऑफ पासिंग नॉलेज. We all know कि generation to generation, across the generation, जब एक knowledge को जब हमें transfer करना है, जो हमने सीखा है, अगर हमें next generation पे transfer करना है, तो ये सबसे important medium है, सबसे easy and बहुत अच्छा medium है जो कि हम use कर सकते हैं storytelling. Second is eagerness to learn. मैंने अभी कहा, जैसे हम कहते हैं कि what about once upon a time, एक बार पता है क्या हुआ था, अच्छा हाँ, हम उसे सुनने के लिए eager हो जाते हैं. तो kids learn eagerly. Stories help us to retain and recall for lifetime. I think हमें कई ऐसी चीजें हैं जो हमने एक कहानी में सुनी होंगी, एक कहानी में देखी होंगी. स्टोरी शोइंग भी कहते हैं स्टोरी टेलिंग को, उसे उसमें हमने इमेजिन करी होंगी जो हम कभी नहीं भूलते हैं. सो आई थिंक इट रिटेन्स फॉर लाइफ लॉन्ग, जनरेट्स क्यूरियोसिटी, हम ईगर हो जाते हैं जाने के लिए, आगे सुनने के लिए हम हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत शार्प हो जाती हैं. हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई डिफरेंट इमोशंस. You know, story में कई emotions होते हैं, anger है, laughter है, humor है, sympathy है, empathy है. ये सारे emotions बच्चा कहीं ना कहीं feel करता है जब आप उसे उस तरह से बोलते हैं. So ये बहुत important चीज है. इसलिए story हम कई बार कहते हैं कि respect बहुत important है बच्चों के लिए सीखना. So I think इससे best way कोई नहीं हो सकता है. So I have written unconsciously building a relationship also. एक respect create हो जाता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं दादा दादी फेवरेट होते हैं, सब कहते हैं दादा दादी फेवरेट है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि दादा दादी बड़ी स्टोरियां बताते हैं और वो स्टोरियों की स्टोरीज की वजह से, बड़ी स्टोरीज बताते हैं, उन स्टोरीज उन कहानियों की वजह से वो उनसे कनेक्ट होते जाते हैं. सो एक रिलेशनशिप एक स्टोरी टेलर और एक स्टोरी लिसनर का जो बन जाता है, इसी वजह से दादा दादी नाना नानी सब फेवरेट होते हैं. Higher level of imaginations. आप कई बार स्टोरी सिर्फ बताते हैं, उसे दिखाते नहीं है, ना पिक्टोरियल है, ना ही पपेट्स हैं. Obviously, ये इनका रोल बहुत अच्छा है. The way we say it, hello, I'm here to listen to this interesting story. I am Kitty the caterpillar. So this is again very interactive and attractive way of doing it. अदरवाइज ऑल्सो अगर हम ऐसे स्टोरी कहते हैं, बच्चों को इमेजिन करने के लिए कहते हैं, तो आई थिंक दे बिकम वेरी ब्रॉडर इन देयर इमेजिनेशन. सो हियर वी आर गोइंग टू से सिंपल स्टोरी टुडे. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई सिंपल स्टोरी. एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है. आपको टेक्स्चुअल नहीं दिखेगा, मैं अपना वीडियो भी ऑफ करूंगी और आपको सिर्फ कुछ म्यूजिक सुनाई देगा और मेरी आवाज सुनाई देगी. स्टोरी के बारे में अगर मैं बताऊं, सो अब मैं बताना चाहूंगी कि स्टोरी जो है इसके बारे में है. हेलो एवरीवन, कैन यू ऑल रिकॉग्नाइज हु इज दिस? कौन है? उल्लू. आज एक छुटकी उल्ली की स्टोरी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको. और देखिए इतनी सुंदर लग रही है हमारी छुटकी उल्ली, है ना? आपने उल्लू देखा है कभी? चलिए आज देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो. सो आज टुडे वी आर गोइंग टू टेल द स्टोरी, लिसन टू द स्टोरी ऑफ
एन आउल, एक छुटकी उल्ली की स्टोरी सुनेंगे हम एंड देखते हैं किस तरह से ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगती है. आई एम गोइंग टू पुट ऑफ माय वीडियो नाउ एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑन सम म्यूजिक एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑन आई एम गोइंग टू स्पीक माय यू नो वर्ड्स एंड दैट यू विल बी एबल टू हियर. And please, I just would like to again tell you all, put on the noises around you, put off the noises around you. अगर आपके आसपास में कुछ टीवी चल रहा है तो आप बंद कर दीजिए. मैं चाहती हूँ कि बच्चे next 10 minutes, आप next 5, 7 minutes, 10 minutes, जितनी भी मैं story बोलूँ उसमें आप सुने, concentrate करें. छोटी सी story है, अच्छा लगेगी आप अगर concentration से सुनेंगे तो. आप सुनिए इसे और आई एम पुटिंग ऑफ माय वीडियो एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद यू अगेन. अरे ये क्या, कौन है ये दोनों? रात को तो हम जल्दी सो जाते हैं पर ये शायद रात में जागते हैं. सही पहचाना, ये है उल्लू और ये छोटी सी जो आपको दिख रही है इसका नाम है छुटकी उल्ली. कैसी है छुटकी उल्ली? आप बड़ी अच्छी होंगी शायद. चले देखते हैं ये क्या कहती हैं. और आपको पता है छुटकी उल्ली भी 2 साल की हो गई है और कितनी इस सवाल पूछती है अपनी मम्मी से. और ये उनकी मम्मी है जो उनके साथ में बैठी है. थोड़ी नाराज सी है पर बिल्कुल नहीं है जैसे आपकी मम्मी आपको लगता होगा कि नाराज रहती है पर आपसे नाराज रहती नहीं है. बहुत प्यार करती है आपको आपकी मम्मी. तो छुटकी उल्ली की मम्मी भी उससे बहुत प्यार करती है और हैं वो एक दूसरे के साथ में अब आगे बात करेंगे. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू किड्स, आउल्स आर द नॉक्टर्नल बर्ड्स. नॉक्टर्नल का क्या मतलब है? जो रात को एक्टिव होते हैं और दिन में सो जाते हैं. पर आपको दिन में एक्टिव रहना है और रात को सोना है क्योंकि आप स्कूल भी तो आना है. तो आप देखते हैं किस तरह से छुट्टी रात को जाग कर कितनी सारी मस्तियां करती है जैसे करते हूँ. तो छुटकी उल्ली जब 2 साल की हो गई उसके बड़े सवाल थे. पूरे दिन सवाल पूछती, पूरे दिन सोती और यस रात को सवाल पूछती. तो एक दिन उसने रात को अपनी मम्मी को पूछा तारों की तरफ देखते हुए, मम्मा कितने तारे हैं आसमान में बताइए ना. मां ने कहा बहुत सारे तारे. बताओ ना मम्मा कितने, उसे तो गिनती चाहिए थी. मम्मा हंस के कहने लगी, अच्छा एक काम करो छुटकी, तुम खुद ही गिन लो, गिन के देख लो, शायद आपको पता चल जाए तो मुझे भी बता देना कितने तारे थे. तो छुटकी उल्ली शुरू हो गई गिनना, 1, 2, 3, 4, 101, 102. गिनते गिनते सुबह हो गई. 1001, 1002 और सुबह तक वह थक गई. अब मम्मा ने पूछा, अच्छा छुटकी बताओ कितने तारे हैं. छुटकी कहती, मैं इतने सारे कि मैं गिन भी नहीं सकती और मैं अब थक गई हूँ. मैंने 1002 तो गिने पर अम्मी बहुत सारे बचे हुए थे फिर भी. मम्मा को तो आंसर पता था, ये तारे कितने हैं? बहुत सारे. फिर उसने कहा, अच्छा अब तुम सो जाओ. तो वो आंखें बंद कर कर पंखों में अपना मुंह छुपा कर सो गए. बड़ी अच्छी सी सीख उसे मिली कि तारे कितने हैं? बहुत सारे. अगली रात वो जाग गई, वो फिर अगली रात एक्टिव हो गई. जैसे आप हर मॉर्निंग में एक्टिव हो जाते हैं उसी तरह से वो भी एक्टिव हो गई. अब वो फिर कहती है, मम्मा आज मेरा क्वेश्चन आपको आंसर फिर से देना पड़ेगा. तो वो कहती है,
हाँ हाँ पूछो, मैं तो हमेशा ही आपके प्रश्नों का जवाब देती हूँ। बताओ क्या सुनना चाहती हो, क्या जानना चाहती हो? तो वो कहती कि मम्मा बताओ आसमान कितना ऊंचा है। तो मम्मा कहती आसमान आसमान बहुत ऊंचा है। नहीं मम्मा बताओ कितना कितना ऊंचा है। फिर उसकी मम्मा हंस पड़ी और कहती अच्छा एक काम करो, उड़ के जाओ और देख लो कितना ऊंचा है, और जब आ जाओ मुझे भी बता देना कितना ऊंचा है। इतना पता चलते ही, इतनी परमिशन मिलते ही, उल्ली ने क्या किया, छुटकी ने क्या किया, वह उड़ गई। कितना ऊंचा उड़ी? अपने पेड़ से ऊंचे, बादलों से ऊंचे, उसने सफेद बादलों को चीर कर ऊपर उड़ती गई। जिस तरह से आप जब रेल लगाते हैं तो किस तरह से अपना पूरा दम लगाकर भागते, उसी तरह से उल्ली जोर से पंख फड़फड़ाती हुई उड़ती गई, उड़ती गई, उड़ती गई। उसे कई चीजें दिखती, जब वो नीचे देखती तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, छोटे 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 लोग, छोटे छोटे पेड़। वो उड़ती गई, उड़ती गई, पर वो जितना ऊंचा उड़ती आसमान उतना ही ऊंचा चला जाता, उतना ही उठता जाता। अब वो हंसने लगी, कितना कितना ऊंचा है ये आसमान, अब मैं नहीं उड़ सकती, अब मैं मम्मी अम्मी के पास फिर जाके बैठ जाऊंगी और मुझे पता चल गया है कि ये बहुत ऊंचा है। अब वो आके अपनी मम्मी के पास आकर कहती मम्मी सुबह हो गई, मैं पूरी रात उड़ती रही और मैंने जाना कि आसमान बहुत ऊंचा है। उसकी मम्मा ने उसे हग किया और उसे सिला दिया। अगली रात फिर वो छुटकी आई एक और नए सवाल के साथ में। बड़ी लहरों की आवाज सुनाई देती। अब लहरों की आवाज आप लोगों ने सुनी है कभी? तो मैं भी आप जब वो लहरों की आवाज सुनती तो उसे लगता कि ये कैसी आवाज है। देखिए आपको सुनाती हूँ मैं लहरों की आवाज। इसी तरह से जब लहरें आगे आती और पीछे जाती वो उन्हें देखती और कहती मम्मा एक बात बताओ, ये कितनी लहरें हैं समुद्र में, एक आती है दूसरी आती है, कितनी है आप बताइए ना गिन के मुझे। और मम्मा के पास वही जवाब था कि लहरें बहुत सारी हैं। तो कहती नहीं मुझे गिनती चाहिए। मम्मा ने ठीक है छुटकी एक काम करते हैं आज लहर गिनते हैं। तो छुटकी बैठी 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 लहरों को गिनने लगी, एक दो तीन चार 10, 100, 200, 500, 1005, 1006। अब उसे नींद आने लगी क्योंकि दिन हो चला था और लहरें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तब वो कहती मम्मी अम्मी से अम्मा बहुत सारी लहरें हैं, आप सही कहती बहुत सारी लहरें हैं। अब वो दूसरे दिन फिर आई, हर रोज कोई नई नया क्वेश्चन होता है, जैसे आप हमेशा अपनी मम्मी से नया क्वेश्चन पूछते हैं रोज, उसी तरह से छुटकी को भी था। छुटकी दूसरे दिन कहती मम्मा एक बात बताइए कि ये सागर कितना गहरा है, ये समुद्र कितना गहरा है। तो हमने थोड़ी देर सोचकर फिर कहा कि इतना ही गहरा है जितना आसमान ऊंचा। तुम आसमान को नापने गई थी ना, उतना ही शायद उतना ही गहरा ये समुद्र है। और ये सुनते ही छुटकी चुपचाप बैठ गई, सोचती रही माँ ने क्या कहा। माँ ने ये कहा था कि सागर बहुत गहरा है, आसमान बहुत गहरा है, ऊंचा है और लहरी बहुत सारी हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं और ये अता है, इनफिनाइट है, बहुत सारा है। एंड शी केप्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट हर मदर टॉट। वो सोचती रही कि मम्मी ने मुझे क्या सिखाया।
और दूसरे दिन सोचते सोचते जब सुबह हो गई, वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू मम्मी। इतनी बात पे मम्मा बहुत खुश हुई। पर उन्होंने एक सवाल, इस बार मम्मी ने सवाल पूछा, से कितना प्यार करती हो छुटकी? उसने कहा, जितना सागर गहरा और जितना आसमान ऊंचा उतना प्यार करती हूँ मम्मा मैं आपसे। और इतना कहते ही उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। और फिर से मम्मा ने पूछा, तुम मुझे कितनी बार गले लगाओगी? तो उसने कहा कि जितनी लहरें और जितने तारे मैं उतनी बार आपको गले लगाऊंगी मम्मा, बिकॉज आई लव यू सो मच मम्मी एंड आई विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर डूइंग ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई कैन एंड आई विल बी अ गुड गुड गर्ल एंड अ गुड बर्ड आई थिंक शी इज अ बर्ड। सो दिस इज हाउ द स्टोरी वॉज। अच्छी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो आप अपने चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या अच्छा लगा इस स्टोरी को। अगर आपको फिर सुनना है तो मैं आपको फिर से इसका लिंक भेजूंगी। एंड आई थिंक यू ऑल शुड राइट नाउ हग योर मॉमी एंड से दैट आई लव यू मॉमी, आई एम कमिंग बैक टू सी यू ऑल अगेन नाउ। So I hope you all enjoyed the story and you've understood that what was there in the story. So kai baar hum inhe bina conclude kare bina moral ke bhi aisi stories bata sakte hain jo hamari emotions hum emotionally ek dusre ke sath mein connect kar sakte hain. So this was about, the story was all about a child and mother's relationship which is not measurable, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट यू नो अबाउट द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ चाइल्ड एंड बिटवीन मदर एंड पेरेंट्स। फर्दर आई वुड ऑल्सो लाइक टू कनेक्ट विद यू ऑन अ फ्यू ओल्डन मेमोरीज विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू ऑल दैट वी आर गोइंग टू शेयर ऑन दिस मेमोरी एंड लेट्स सी फ्लैशबैक। So, मैं इस फ्लैशबैक में आपको कुछ ऐसे ऑडियोज और कुछ ऐसे वीडियोज बताने वाली हूँ जो कि शायद आपने बचपन में देखे होंगे। मैंने कहीं से ढूंढ निकाला है उन्हें और दूरदर्शन टीवी का टाइम था एक जमाना और जब हमने ये बड़े अच्छी तरह से मजे से देखा था। अब देखते हैं, याद करिएगा ये सब। And I would want that आप अपने बच्चों को भी आप ये बात आप ये दिखाएं। It's very interesting. याद है? It may not be clear because it is very old video, but you remember. I hope we all remember this. That few people gathered together. Planting करें, such a great way to give such strong message. It had a beautiful story in it. You all can connect. I just wanted to just touch this topic as I know that this all were the part of our olden memories. So I just wanted to connect this to you all. You can just go back and show them these kind of videos, what you have seen before and which you have seen in your childhoods, as we all are now watching Ramayanas and Mahabharata, and that was our childhood memories. So I would request you parents to keep telling them the stories
for connecting them with you, for teaching them, you know, unsaid morals, I think. A few more things I just want to touch and discuss. A simple one more thing. Now, anytime when you read a book or a story to them, kindly do not directly begin to the story which is given in the book. I think talk about each character, talk about the cover page, talk about how har cheez ke upar baat kijiye, kis tarah ki fish hai, naam kya hai story ka. So main ye suggest karungi ki do not directly jump onto the conclusion or jump onto the moral of the story, because a journey is very important rather than only and only the book. I also would like to ask you all that whether you would like to have more sessions with us on storytelling, because we are going to share some more methods of storytelling using the puppets, making the puppets at home, or using any of your household material for using a story, making a story. How can you make a story with your child? There are so many ways which we can share with you. And thank you so much for staying attuned. But for that, I would want that you should connect with us, should write to us, you should connect with us with your branches. And do let us know how did you feel, how did you like the session today. Thank you so much. And I think if some of the panelists would like to join, or we can, you know, wind up the session and can stay, can get in touch with you again. Thank you. I think I think ma'am is coming. Yes, I hope you love the story, because I can only I see love you. That. I really love that. It was crazy. I put me actually on my, you know, childhood time. Thank you so much, Asha, and every parent. We can see so many parents were there, and I can see so many full of my chat boxes full. And dear parents, we are going to come further more and more and more this kind of sessions. So please be with us. If you have anything regarding any query you have, please give your the feedback to your branches. Send it to us. We are going to have a more kind of the session. So, and I think today is the first time we went to the Facebook Live, and I'm sure, you know, max to max parent can see any children who has 2 to 6 year old, any mother, just go see this story, love your child, because it's the right time. Lockdown is the right time to connect your, you know, family. So let's do it together. And we are with you in this mission. So don't worry. Stay tuned. Canvas International will be there. Thank you, Asha. Yes. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Sonia. Thank you. You rocked it. Let's, great. Thank you, ma'am. Yes.